नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। 2002 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में दो मॉडल्स आते हैं, एस जिसकी कीमत है एक्शोरूम 12 लाख रुपीज़ और S11 जिसकी कीमत है 15 लाख 50 हज़ार रुपीज़। और ये टॉप मॉडल S11 आप देख रहे हैं। इसके फोर्थ जनरेशन मॉडल का नाम स्कॉर्पियो N है जिसकी कीमत शुरू होती है 12 लाख रुपीज़ से। ये 7 सीटर मॉडल है, 9 सीटर का भी ऑप्शन है। आज तक 8 लाख से ज़्यादा स्कॉर्पियो बिक चुकी हैं। इंडिया की सबसे फेमस कार्स में से एक है स्कॉर्पियो। ग्लोबल मार्केट के लिए ये महिंद्रा का पहला मॉडल था। रियर व्हील ड्राइव है स्कॉर्पियो, फोर व्हील ड्राइव मॉडल क्लासिक में अवेलेबल नहीं है। कई कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स भी जीते हैं स्कॉर्पियो ने। इसे महिंद्रा गोवा भी कहा जाता है कुछ कंट्रीज़ में। महाराष्ट्र में असेंबली होती है स्कॉर्पियो क्लासिक की। इसी नाम से 1985 में फोर्ड स्कॉर्पियो सेडान भी आती थी। स्कॉर्पियो का पिकअप वर्जन भी आता है बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और ये फॉग लाइट LED DRL के साथ, स्किड प्लेट, क्रोम हाईलाइट में नई ग्रिल, नया ट्विन पीक्स लोगो, और ये है प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED DRL और स्टैटिक बैंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ। बोनेट स्कूप, वाइपर्स, एंटेना, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं, टर्न इंडिकेटर, स्कॉर्पियो की साइड क्लैडिंग, फुटस्टेप, 4.4 मीटर लेंथ है, 2 मीटर हाइट है, 5.4 मीटर टर्निंग रेडियस है, 500 mm तक पानी में जा सकती है, 209 mm ग्राउंड क्लीयरेंस है और 2500 kg ग्रॉस वेट है स्कॉर्पियो क्लासिक का। और ये हैं 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, रेडियल ट्यूबलेस टायर्स हैं, आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ये रेड रेज कलर आप देख रहे हैं, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और वाइट कलर का भी ऑप्शन है। आगे इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग के साथ डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे एंटी रोल बार के साथ मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे। सस्पेंशन में मल्टी ट्यूनिंग वॉल्व, कंसेंट्रिक लैंड, MTVCL डैम्पर टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा बढ़िया राइड और हैंडलिंग के लिए। स्कॉर्पियो की एवरेज ईयरली सर्विस कॉस्ट है 5,000 रुपीज़। टो हुक, रिफ्लेक्टर, रियर सेंसर, फुटस्टेप, स्पेयर व्हील, ट्विन पीक्स लोगो, रियर कैमरा, एरो ब्लेड वाइपर, कस्टमर केयर नंबर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर, स्पॉइलर, और ये है रेड लेंस LED टेल लैंप। स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग, S11 टॉप मॉडल की बैजिंग, माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जब कार रुकेगी तो इंजन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा जिससे बचेगा फ्यूल। कुशन सस्पेंशन और एंटी रोल टेक्नोलॉजीज हैं आरामदायक ड्राइव के लिए। सेफ्टी के लिए स्कॉर्पियो के विदाउट एयरबैग मॉडल को 0 स्टार दिए थे ग्लोबल एनकैप ने। इंटेली पार्क है, रिवर्स पार्किंग कैमरा और डायनेमिक असिस्ट के साथ ईजी रिवर्सिंग के लिए। क्रैश प्रोटेक्शन क्रम्पल जोन्स हैं। सेफ्टी के अंदर 2 एयरबैग्स, ABS, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, टायरट्रॉनिक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक, इंजन इमोबिलाइजर, पैनिक ब्रेक इंडिकेटर, इमरजेंसी कॉल, रिमोट सेंटर लॉकिंग, साइड इंट्रूजन बीम्स, एंटी थेफ्ट वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट और मैनुअल ओवरराइड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। एक्स सीरीज में भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए। ये एक वैल्यू फॉर मनी SUV है जिसकी हाई रीसेल और इजी मेंटेनेंस रहती है। काफ़ी फेमस है इंडिया में महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब हमारे स्पॉन्सर बूडमो के बारे में। ये इंडिया की फेमस ऑनलाइन मार्केट प्लेस है कार पार्ट्स और एक्सेसरीज के लिए। बूडमो पे 13 मिलियन यूनिक कार स्पेयर पार्ट्स का डेटाबेस है जिसमें यूजर्स कुछ ही क्लिक्स में अपनी व्हीकल का कोई भी स्पेयर पार्ट ऑर्डर कर सकते हैं और वो उनके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। फ्री पार्ट कैटलॉग्स के साथ बूटमो पे 3000 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के हाई क्वालिटी OEM और आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स आपको मिलेंगे और यहाँ हर हफ्ते डिस्काउंट्स और फ्री डिलीवरी ऑफर्स भी चलते रहते हैं। बूटमो की कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी है
और एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है जो आपको आपकी कार के लिए सही पार्ट ढूंढने में मदद करती है। कुछ लोकेशंस पे आपको डोर स्टेप पे पार्ट इंस्टॉलेशन सर्विस भी मिलेगी। तो आज ही budmo.com पे लॉगिन करिए और अपनी कार के स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करिए। इसकी ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ डोर पे दो स्पीकर्स हैं, हैंडल बार है और यहाँ आपको मिलेगी 460 लीटर की बूट स्पेस। थर्ड रो में बेंच सीट्स का भी ऑप्शन है। ये पीछे 1+1 सीट्स हैं, 2+2 सीट्स का भी ऑप्शन है और ऐसे आप पीछे के ग्लासेस को खोल सकते हैं। ये ऊपर लाइट दी गई है। और यहां से हो रहेंगे एड ब्लू। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर डोर पे नीचे बॉटल होल्डर है, स्टाइलिश ट्रिम, हैंडल बार, थोड़ी स्पेस, पावर विंडो का बटन और ये है फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। ये बेंच सीट्स हैं, कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन है। क्विल्टेड डिजाइन, आर्मरेस्ट, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगे, प्लेन रूफ है, यहाँ थोड़ी स्पेस, दो एसी वेंट और ये है डुअल टोन डैशबोर्ड, कोलैप्सिबल स्टेयरिंग कॉलम है, रीडिंग लाइट, हैंडल बार। आइए ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। ड्राइवर साइड एंटी पिंच ऑटो रोल अप पावर विंडो मिलेगी। यहाँ थोड़ी स्पेस, पावर विंडो के बटन्स, नीचे काफ़ी स्पेस, स्पीकर, सीट एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, आगे की सीट्स में आर्मरेस्ट मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ये है टिल्ट स्टेयरिंग। और ये पैडल्स, बोनेट खोलने का लीवर और ये ORVM लाइट डिफॉगर ऑफ फ्यूल लिट खोलने के बटन्स। और यहाँ से भरेंगे डीजल। और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। एसी वेंट, आर्मरेस्ट, यहाँ थोड़ी स्पेस, मैनुअल हैंड ब्रेक और ये है 6-speed केबल शिफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये 12-volt का पोर्ट, साइड में थोड़ी स्पेस, हैजार्ड लाइट का बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, USB और ऑक्स के पोर्ट और ये है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC। और ये है 9-inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा फोन मिररिंग, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, GPS नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, FM और रेडियो। ब्लूटूथ, रेडियो, FM म्यूजिक
सेटिंग्स, कार सेटिंग्स, ब्रेक सेटिंग, रिवर्स कैमरा, साउंड सेटिंग्स, और ये ऐप्स, ऑक्स, ब्लूटूथ, इक्वलाइजर, म्यूजिक सेटिंग्स, रेडियो, स्टेयरिंग व्हील, और ये रियर कैमरा डिस्प्ले, दो एसी वेंट, और ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, स्कॉर्पियो की बैजिंग, और ये ग्लोब बॉक्स, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, रियर व्यू मिरर, सनग्लास होल्डर, ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, और ये है लेदर रैप्ड हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग। ये फोन इंफोटेनमेंट और वॉल्यूम के कंट्रोल, ट्विन पीक्स लोगो, क्रूज कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा स्पीड, आरपीएम, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और कई इंफॉर्मेशन। गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट है। तो ये है 2200 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर डीओएससी ऑल एल्यूमिनियम जनरेशन 2 एम हॉक डीजल इंजन, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर, इंटरकूलर और कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। 130 हॉर्स पावर है, 300 एनएम टॉर्क है, और लगभग 15 का एवरेज मिलेगा 60 लीटर के फ्यूल टैंक से, और लगभग 165 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। ऑल एल्यूमिनियम सेकेंड जनरेशन एमहॉक डीजल इंजन है ये। 130 हॉर्स पावर, 300 एनएम टॉर्क। तो ये था एमहॉक डीजल इंजन। और ऐसे आप पीछे की सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, ये फुली फोल्ड हो जाती हैं आगे की तरफ। ऐसे आप थर्ड रो सीट्स भी फुली फोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको पीछे कंफर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आप बेड लगा के लंबी जर्नी में कंफर्ट राइड ले सकते हैं या अपना सामान रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।